हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड जीके की ये दूसरी वीडियो है, इससे पहले वीडियो वन आ चुकी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने 7 महीने के करंट अफेयर्स करा रखे हैं, जनवरी 2024 का भी करंट अफेयर्स कल रात को 1 या 1.5 बजे के करीब मैंने अपलोड किया था, जाकर आप देख लीजिए। और बाय द वे, पूरी करंट अफेयर्स की जो वीडियोज़ है, सारी वीडियोज़ आपको 1, 2, 3 ये जो है मैंने इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दोनों वीडियोस को जाकर देख लीजिए। अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को, तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए, तो मैं आपको लिंक जो है कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करके दे दूंगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, कमोलिका बारी। देखिए यहाँ से खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों को मैच करना है, इस तरह के प्रश्न आजकल नए ट्रेंड में है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने का ऐसा तरीका है। खैर, इसमें चार क्वेश्चन है, इसमें जो है चार क्वेश्चन है, आपसे शायद एग्जाम में एक ही पूछ दिया जाए कि कमोलिका बारी जो है किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, कमोलिका बारी की अगर मैं बात करूं तो ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो है तीरंदाजी से संबंधित है। यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखिए, माइकल किंडो ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो माइकल किंडो जो है हॉकी से संबंधित है, तो यहां पे ऑप्शन बी आप लगा दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ईशान किशन, अब देखो इनको कौन नहीं जानता है, तो यहां जो है क्रिकेट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये सी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ईशान किशन किस टीम के लिए, आईपीएल में किस टीम के लिए जो है खेलते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग में किस टीम के लिए ये खेलते हैं, तो मुंबई इंडियंस में ये खेलते हैं। याद रखिएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ईशान किशन के बारे में, हाल में ही भारतीय टीम या फिर बीसीसीआई बोल दो, इनको जो है सेंट्रल कॉन्टैक्ट से बाहर कर दिया गया है ईशान किशन को, तो एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो प्लीज करंट अफेयर्स में जो है ये इस तरह के सवाल बनेंगे, तो याद रखिएगा आईपीएल में ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, और इंडियन टीम के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसमें जो है ए बी सी डी कैटेगरीज बांटी जाती है, ए प्लस बी प्लस ऐसा, तो उसमें जो है ईशान किशन को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इनके ऊपर जो है अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे कि ये डिसिप्लिन नहीं है। तो फिलहाल अब बच गए कौन, सुनील बहादुर, और सुनील बहादुर क्या हो जाएंगे हमारे, सुनील बहादुर लॉन टेनिस लॉन बॉल के जो है खिलाड़ी हैं। तो देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया एंड डी हो गया, दैट मीन्स व्हाट, ऑप्शन बी में देखो, अगर आप सारे ऑप्शन को देखोगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी के साथ आप आगे जाओगे। अब हम लोग आगे जाएंगे अगले सवाल की ओर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जामिनेशन में, आई रिपीट, हर एग्जामिनेशन में महेंद्र सिंह धोनी से सवाल झारखंड में पूछे ही जाते हैं, क्वेश्चन का तरीका अलग होता है, याद रखिएगा ये जेपीएससी में पूछा गया सवाल है, बैकलॉग वाले एग्जामिनेशन में जेपीएससी में ये सवाल बना था। चलिए महेंद्र सिंह धोनी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ाते हैं आपकी। इनका जन्म 8 जुलाई 1981 को हुआ था, बिल्कुल गलत बात है, इनका जन्म 7 जुलाई को हुआ है, और इनके जर्सी नंबर को भी जो है आप देख सकते हो, उसके पीछे 7 लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, 7 जुलाई 1981 को इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है, तो ये पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। देखिए ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इनके पिताजी का नाम पान सिंह है, पान सिंह धोनी ये है शायद। ठीक है, अब इनके माता जी का नाम देविका है, आप ये भी जानते हो कि इनके एक भाई भी हैं और इनकी बहन भी है, शायद एमएसडी जो अनटोल्ड स्टोरी है इनके ऊपर बायोग्राफी भी, जो एक मूवी बनी थी वो भी याद रखिएगा, एमएसडी, जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत अच्छा जो है रोल प्ले किया था। ठीक है, उसके डायरेक्टर कौन थे नीचे कमेंट करके अगर कोई बता दे तो बड़ा मजा आएगा मुझे। उस डायरेक्टर ने स्पेशल 26 भी बनाई थी, एक मूवी थी स्पेशल 26, वो मूवी के डायरेक्टर वही हैं। ठीक है, मैं आपको सरनेम बता देता हूं ताकि आप पूरा नाम लिख पाओ, पांडे इनका सरनेम है डायरेक्टर साहब का। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले इसको जो है थोड़ा और पोस्टमार्टम कर लेते हैं, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए इन्होंने पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न का नाम अब जो है ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, याद रखिएगा ये भी शायद हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो ये बिल्कुल सही है, ये क्या है करेक्ट है। इनके कप्तानी में 2007 में हम लोगों ने T20, 2011 में ODI का वर्ल्ड कप जीता है, बिल्कुल सही बात है, और इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई है इंडिया को, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई है, और याद रखिएगा 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाला है और वहां पे भी इंडिया की टीम जाएगी, तो चैंपियंस ट्रॉफी अभी हाल में जो है न्यूज में है, तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा। अगला है, इन्हें भारत में मेजर की मानद उपाधि दी गई है, बिल्कुल गलत बात है ये, मैं इसे हटा देता हूं, देखो मेजर की नहीं बल्कि इनको यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल की जो है उपाधि दी गई है, क्या दी गई है, लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि इसे इनको जो है दी गई है। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल की ना कि मेजर की, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अब आपसे पूछ लिया गया कि कौन सा कथन क्या है सही है कौन सा गलत है, देखिए इससे 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए,
ये एक्चुअली क्या है ना, जेपीएससी इसी तरह के सवाल पूछती है, आपको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए तभी आप जेपीएससी के पीटी को क्लियर कर पाते हो। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी और जो सी है यानी कि ऑप्शन टू और थ्री क्या है, करेक्ट है, केवल यही दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, पहला वाला रॉन्ग है, चौथा वाला भी क्या है इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, सी के साथ आप आगे जाओगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, माइकल किंडो का उपनाम आयरन लेडी है, बिल्कुल सही बात है, ये हॉकी टीम की खिलाड़ी भी है। अगला सवाल देखिए, अगला ऑप्शन जो है निक्की प्रधान झारखंड की पहली महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, देखिए क्या है, 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा, एक्चुअली यहाँ पे मुंडा नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप पूरा नाम याद रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा है, तो तीनों ऑप्शन अभी तक सही हैं। जयपाल सिंह का उपनाम मरांग गोमेक है, देखिए नीचे कमेंट करके मरांग गोमेक का क्या मतलब होता है नीचे कमेंट करके आप बताओगे। तो देखिए ऑप्शन ए बी सी डी या फिर 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट, और ऑप्शन डी आपका क्या होगा सही हो जाएगा, यानी कि सभी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी के करंट अफेयर्स में ये सवाल पूछा जाने वाला ये सवाल है, झारखंड के होटवार यहाँ पे एक जेल भी है मैं स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुल कितने स्टेडियम बने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 8 स्टेडियम यहां पे बनाए गए हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रैक्टिस करने का भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो टोटल जो है स्टेडियमों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रैक्टिस को अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल जो है 10 हो जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिस के लिए 2 और टोटल ऐसे तो स्पोर्ट्स जो है 8 बने हुए हैं, तो टोटल इसका आंसर 10 होगा, लेकिन आपसे यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम पूछा गया है तो आंसर आपका यहां पे ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखिए क्या है, एक्चुअली ये सवाल नहीं है, देखो यहाँ पे स्टेडियम के नाम वगैरह भी मैंने लिख रखा है, ठीक है, आउटडोर स्टेडियम में, आउटडोर स्टेडियम जहाँ पे छत नहीं होती है उसे आउटडोर स्टेडियम बोलते हैं, बिरसा मुंडा एथलीट स्टेडियम है इसका नाम, दूसरा है टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज, तीसरा है वीर बुधु भगत जलकीड़ा स्टेडियम, ठीक है ये स्विमिंग के काम में आएगा, सिद्धू कानू वोल्वोड्रम ये भी एक स्टेडियम है, तो ये आउटडोर 4 स्टेडियम है। आगे देखिए इंडोर स्टेडियम है विश्वनाथ शाह इंडोर स्टेडियम, हरिवंश ताना भगत स्टेडियम, गणपत राय इंडोर स्टेडियम जिसमें छत होती है, आराम से बारिश हो या कुछ भी हो आप आराम से कोई भी इवेंट हो या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो वो यहाँ पे किया जा सकता है। प्रशासनिक ब्लॉक जो है शेख बिहारी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, तो यहाँ टोटल 4 स्टेडियम के मैंने ब्यौरा आपको दे दिया है। अगला सवाल देखिए, झारखंड में खेलों के उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किनको 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये देखिए जो अभी जेएसएससी पीजीटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है 2023 का, उसमें ये सवाल पूछा गया था, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, क्या है पद्मश्री अवार्ड किसने जीता है, छुट्टन देवी ने, वसुधरा कोमकली ने, मकर ध्वजा दरोगा ने या फिर दीपिका कुमारी ने, 2016 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, तो दीपिका कुमारी, और ये जो है तीरंदाजी से संबंधित है याद रखिएगा, ये कौन सा खेल खेलती है तो तीरंदाजी में, ये वर्ल्ड की नंबर वन रैंक पे भी रह चुकी है, वर्ल्ड की नंबर वन रैंक इनको हासिल है, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, दीपिका कुमारी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, 16 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल, झारखंड में कौन सा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए चुना गया था, तो देखिए एक्चुअली क्या हुआ था 1928 में इनके द्वारा जो है एम्स्टरडम में ओलंपिक में गोल्ड मेडल इंडिया जीत कर लाई थी गोल्ड मेडल, और इस टीम के कैप्टन कौन थे, तो हमारे और आपके जयपाल सिंह मुंडा जी थे, और जयपाल सिंह मुंडा टीम को लीड इन्होंने किया था, और इसके अलावा ये याद रखना है कि उस समय इनकी टीम ने पूरे टीम ने मिलकर एफर्ट से जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है, तो 1946 में इनको भारतीय संविधान सभा के लिए चयन भी इनको जो है किया गया था, किसको, जयपाल सिंह मुंडा, तो जयपाल सिंह मुंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महेंद्र सिंह धोनी की तरह जयपाल सिंह मुंडा भी हमारे लिए क्या है बहुत धरोहर हैं, हमारे पुरखे बहुत काम के पुरखे रहे हैं झारखंड के। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर फील्ड हॉकी खिलाड़ी है जिसने रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो देखिए रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निक्की प्रधान, सही जवाब क्या हो जाएगा निक्की प्रधान इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अभी पेरिस ओलंपिक के लिए, पेरिस में ओलंपिक होने वाला है अगला, अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा पेरिस ओलंपिक कौन से साल में पेरिस में किया जाएगा, ईयर आपको बताना है कि ओलंपिक का खेल कब होगा, तो देखिए निक्की प्रधान यहाँ पेरिस ओलंपिक में खेल रही थी, और ये बुरी एक्चुअली क्या है ना कि ये क्वालिफायर जो पेरिस ओलंपिक में कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट करेगी इसके लिए क्वालिफायर मैच हो रहा था, कहाँ पर, रांची झारखंड में, याद रखिए ये भी एग्जाम में शायद आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि रांची झारखंड में जो है कौन सा गेम हुआ था, या फिर झारखंड हॉकी महिला टीम के क्वालिफाइंग
मैचों का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो रांची झारखंड में किया गया था। और हम लोगों के लिए ये बुरी बात है, हम लोग सेमीफाइनल में हार गए यहाँ पे। दूसरी बात क्या है कि हम लोग जापान से क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाइंग मैच था, क्वालिफायर मैच था, वो भी हम लोग हार गए। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार ओलंपिक में ना सिर्फ जाएंगे बल्कि मेडल भी लाएंगे। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है। ऐसे सवाल भी आपको जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, नॉट वाला आंसर जो है देखकर आपको देना होता है। तो देखिए कौन हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तो असुता लकड़ा ऑब्वियसली हॉकी की बहुत महान खिलाड़ी में से एक, पुष्पा प्रधान ये भी हॉकी खिलाड़ी है, सावित्री पुर्ती ये भी जो है हॉकी खिलाड़ी है, लेकिन पूर्णिमा महतो ये हॉकी खिलाड़ी नहीं है। डी ही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण में ये सवाल 2023 में पूछा जा चुका है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन लड्डू है, क्वेश्चन नंबर 9, जीआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग नीचे कमेंट करके इसका आंसर दोगे। अगर आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा तो प्लीज सभी भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है उनके आंसर को सही कर देंगे आप, अदरवाइज मैं देखूंगा तो आपको हार्ट दे दूंगा। क्या दे दूंगा? हार्ट दे दूंगा, तो समझ जाना कि इनका आंसर क्या है, करेक्ट है। तो गुमला, रांची, धनबाद, जमशेदपुर में से एक आपको टिक करके नीचे बताना है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, मैं जमशेद रतन टाटा के बारे में क्या ही बताऊं, आपको पता ही है, नीचे कमेंट आप कर लोगे, अदरवाइज मैं तो देख ही लूंगा इसे। आगे देखते हैं, जमशेदपुर के बाएं हाथ के बल्लेबाज का नाम आपको बताना है, जिन्होंने मलेशिया में 2008 में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप को जो है जीता, जीतने वाले में जो ये क्या थे, प्रमुख बल्लेबाज थे। ऐसे सवाल बनते हैं फैक्चुअल वाले सवाल, जहां पे सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि दो तीन स्टेटमेंट दिया जाता है और आपसे आंसर पूछा जाता है। तो देखिए, सौरभ तिवारी, वरुण एरोन, कृति आजाद, रणधीर सिंह, तो सारे पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी ने हाल में ही जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, क्रिकेटर है ये सौरभ तिवारी, तो इसलिए जो है ये नाम फेमस है, याद रखिएगा। सौरभ तिवारी इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं और मुंबई इंडियंस, आरसीबी, बहुत सारी टीमों के लिए इन्होंने खेला हुआ है। सौरभ तिवारी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ और चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो याद रखिएगा, पीजीटी 2018 में ये सवाल पूछा जा चुका है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2018 में ये सवाल पूछा जा चुका था। अब सौरभ तिवारी के बारे में आपने जान लिया, वरुण एरोन क्या है, बॉलिंग करते हैं ये, बहुत फास्ट बॉलिंग किया करते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टीम में ज़्यादा दिन रह नहीं पाए। कीर्ति आज़ाद बिहार, जब हम लोग बिहार के साथ थे तो उस समय कीर्ति आज़ाद जो है क्रिकेटर थे, एक्चुअली ये झारखंड के ही हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ है, बहुत ही आसान सा सवाल है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। रणधीर सिंह सारठ के विधायक हैं, ये जो है सारठ के विधायक हैं और एक्चुअली ये कृषि मंत्री भी रह चुके हैं पिछले सरकार में, बीजेपी की सरकार में। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, झारखंड के सिल्वानुस डुंग डुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में माना जाता है। तो देखिए इनको जो है किस खिलाड़ी से, एक्चुअली सीधी सीधी बात है कि सिल्वानुस डुंग डुंग को जो है ये किस खेल से संबंधित हैं, आपको इसका नाम बताना है। तो देखिए ये हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं, डी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, हॉकी खेलती हैं ये, ठीक है। ये तो आंसर आपके लिए बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो गया, लेकिन याद रखना है कि 2016 में सिल्वानुस डुंगडुंग को जो है 2016 में इनको सम्मानित भी किया जा चुका है ध्यानचंद अवार्ड से, जब उस समय शायद राजीव गांधी इसका नाम था, लेकिन अब जो है इसका नाम क्या कर दिया गया है, ध्यानचंद अवार्ड से इसका नाम जो है रिप्लेस कर दिया गया है। राजीव गांधी तो क्रिकेटर थे नहीं, है ना, तो खिलाड़ी को या फिर कोई और भी फुटबॉलर नहीं थे, ना ही हॉकी खेला करते थे, तो इसलिए जो है ध्यानचंद नाम यहाँ पे रखा गया है। पीजीटी में ये एग्जाम में जो है ये सवाल टीचर में पूछा जा चुका है। अगला सवाल, वे एक लौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 है उसमें जारी की गई फोर्स पत्रिका में जो है टॉप 100 वेतन पाने वाले, सीधी सीधी बात है, बहुत जो सैलरी वगैरह पाते हैं, बहुत इनकम होता है जिनका, रेवेन्यू बहुत होता है, उनका नाम बताना है कि 2015 में जो है टॉप पर इनका नाम रखा गया था, एक भारतीय, मात्र भारतीय खिलाड़ी थे, तो ऑब्वियसली इसका सही जवाब हो जाएगा MSD, महेंद्र सिंह धोनी जो है उस समय थे। एक्चुअली ये एग्जामिनेशन में जो शायद CGL का एग्जाम था उसमें ये सवाल पूछा गया था, CGL 16 के PT वाले एग्जामिनेशन में, तो ये करंट अफेयर्स था। खैर मैंने आपको सोचा कि ये भी मैं आपको बता दूं। अगला सवाल, किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम के डी मॉन्टफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, महाVVI लगा लीजिए, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको ऑब्वियसली पता है कि झारखंड से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो MSD इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन ट्रैप में नहीं फंसना है, कई कई बार जो है आपको परेशान करने के लिए सवाल बनेंगे और आप वहाँ पे फंस जाओगे। किस गेंद के खेल को पिंग पोंग भी कहा जाता है, तो देखिए ये जो है क्या है, शब्दावली है, और ये किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है,
टेबल टेनिस, स्क्वाश, फुट बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, टेबल टेनिस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस के साथ आपको आगे जाना था, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, स्पाइकिंग। स्पाइकिंग जो है किस खेल से संबंधित है या क्रीड़ा से संबंधित है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्पाइकिंग आपको जो है वॉलीबॉल में देखने को मिलता है। तो देखिए कुछ टर्मोलॉजी है जिसको याद रखना होगा। एक और सवाल मैं आप लोगों से लिए पूछ लेता हूं, नेहरू कप किससे संबंधित है, नीचे कमेंट करके आप लोग बताओगे। ठीक है, बोगी किस खेल से संबंधित है, तो देखिए बोगी आपको गोल्फ में देखने को मिलेगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका जो पेपर 3 है इसमें सिर्फ झारखंड से नहीं बल्कि भारत से और भी बहुत सारे सवाल आपसे यहां से देखने को मिलेगा। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है इसका नाम क्या है, तो देखिए मैंने आपको शायद जब ऑप्शन वगैरह मैं बता रहा था उस समय भी बताया था, निकी प्रधान जो है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक जो है खेला हुआ है, क्वालिफाई किया हुआ है। झारखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में MSD हैं, आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि अब देखिए सवाल यहां से भी बन सकता है बहुत आसान सा सवाल, कि ये किस IPL टीम के लिए खेलते हैं, तो याद रखिएगा CSK के लिए जो है ये खेलते हैं। 5 बार इन्होंने जो है CSK को IPL का ट्रॉफी भी जिताई हुई है। ठीक है, ये शायद मैंने बता रखा है यहाँ से। देखिए एक और बात है, धोनी अब जो है फिल्म प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं, शायद यहाँ से बस सवाल पूछ लिया जाए। तो फिल्म जो है LMG लेट्स मेट, ये जो है एक्चुअली ये तमिलनाडु की इंडस्ट्री है, साउथ इंडस्ट्री, वहाँ पे ये फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तमिलनाडु में इनका बहुत नाम है। अगला नाम है ईशान किशन, नवादा बिहार के हैं और अभी एक्चुअली ये क्या है कि ये झारखंड से ही खेलते हैं। ठीक है, IPL इनकी टीम क्या है, मुंबई इंडियंस में ये खेलते हैं। अगला नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रॉबिन मिंज, ये गुमला के खिलाड़ी हैं और गुजरात टाइटन्स ने इनको 3.6 करोड़ में खरीदा है। कितना में, 3.6 करोड़ में खरीदा है, ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है। अगला सवाल, सुशांत मिश्रा, यहाँ पे बिंदा छूट गया है, IPL टीम के लिए खेलते हैं 2.2 करोड़ में गुजरात टाइटन्स के लिए। अभी एक और नाम मैं बताऊंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वो, सौरभ तिवारी, ये तो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये आपको पता है। अब देखिए कुमार कुशाग्र, एक्चुअली यहाँ पे गलत हो गया है, कुशाग्र होगा यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ कुमार कुशाग्र। ठीक है, ये नाम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि IPL में सबसे ज्यादा पैसे में ये बिकने वाले खिलाड़ी थे। ठीक है, कितने में, 7.2 करोड़ में। किस टीम के लिए खेलेंगे, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे, तो प्लीज याद रखिएगा ये जो है क्या है, विकेट कीपर हैं, याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सुजीत मुंडा, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि ये ब्लाइंड टीम के सदस्य थे, भारतीय क्रिकेट टीम के T20 विजेता टीम में जो है ये क्या थे, ब्लाइंड पर्सन थे और ये टीम में शामिल है। कौन, सुजीत मुंडा, एग्जाम में यहां से सवाल भर भर के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहां से देख पाएंगे सुब्रत बनर्जी, ये भी एक क्रिकेटर हैं। देखिए कुछ वो बोलते हैं ना कि अंडरडॉग टीम या फिर आप उसे डार्क हॉर्स बोलते हो, तो उसी तरह से सुब्रत बनर्जी से भी सवाल बनेगा और आपको लगेगा ये तो कोई तीरंदाजी वाले खिलाड़ी होंगे, लेकिन ये क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा, सवाल यहां से भी आपके लिए बन सकता है। अब मैं अगर और क्रिकेटरों की बात करूं तो गीता महतो, विराट सिंह, शाहबाज नदीम, ये तो इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीष वर्धन, वरुण एरोन, ये भी इंडिया के लिए खेल चुके हैं। SP गौतम, ईशांक जग्गी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत पॉपुलर नाम है। सन्नी गुप्ता, ये सब क्रिकेटर के तौर पर जो है जाने जाते हैं। इन सारे नामों को याद कर लीजिएगा, प्लीज वीडियो को 2 बार देख लें, अगर आपको एक बार में लग रहा है कि याद हो रहा है तो दोबारा रिवीजन करने के लिए जो है दोबारी बार जो है वीडियो को 2x में देखें, और यानी कि वीडियो की जो स्पीड है, एक्चुअली मैं स्पीड बोलता ही हूं, तो आप 1.5 में देखोगे तो भी आपको जो है आइडिया लग जाएगा, 2 पॉइंट में तो आपको समझ में नहीं आएगी मेरी बात, क्योंकि मैं खुद से ही स्पीड से बोलता हूं। आगे देखिए, झारखंड के जो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं अभी तक के, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड से हॉकी, झारखंड के जो एथलीट हैं हॉकी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। नाम है जयपाल सिंह मुंडा, 1928 में इंडिया टीम को इन्होंने लीड किया, कैप्टन थे इंडिया के, क्या थे ये, कैप्टन थे, और इंडिया ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, तो इनके कप्तानी में ये गोल्ड मेडल भी जीत चुका है और ये और चीज़ों में भी ये पार्टिसिपेशन कर चुके हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले ही। ठीक है, निकी प्रधान, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक में जाने वाली प्रथम जो है झारखंड की खिलाड़ी रह चुकी है, हॉकी खेलती है ये निकी प्रधान। अंशुता लकड़ा, ये लीजेंडरी खिलाड़ी हैं, इनके नाम से अवार्ड मिलता है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी पर्सनालिटी है। आगे देखिए, वंदना टेटे, ये भी हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं, नाम याद रखिएगा। अब कुछ जो नए खिलाड़ी हैं जैसे कि संगीता कुमारी हो गई, इनका नाम याद रख लीजिएगा। अब देखिए सलीमा टेटे, इनका नाम अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था हर जगह पे। तो देखिए झारखंड में जो आयोजित हुआ था एशियन वुमेन होगा हॉकी चैंपियनशिप में, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सलीमा टेटे, नाम याद रख लीजिएगा, इनकी फोटो भी देख लीजिए, कमाल है, वंदन है इस महिला को कि झारखंड
की मिट्टी को इन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड में जो है फैलाया है, तो बहुत बड़ी बात है सलीमा टेटे के बारे में। इनके बारे में कुछ और चीज़ों को याद रखिएगा, ये याद। एक और बात है, देखिए मैं एक चीज़ मिस कर गया था, मैं आपको फिर से चाहता हूँ कि वो बता दूँ। यहाँ से निकी प्रधान का नाम आपको दिख रहा होगा, ये करेंट इंडिया टीम की उप कप्तान भी है, याद रखिएगा इस बात को, करेंट इंडिया टीम की उप कप्तान भी है, तो बहुत बड़ी बात है ये। और कुछ और चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा था, हाँ सलीमा टेटे के बारे में। तो देखिए सलीमा टेटे को जो है अंशुता लकड़ा, मैंने अभी बताया ना कि अंशुता लकड़ा के बारे में बताया था, अंशुता लकड़ा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड ये जो है इनको मिल चुका है। अंशुता लकड़ा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड 2021 से इनको जो है सम्मानित किया जा चुका है। किसको? सलीमा टेटे को, ये भी याद रखना है। एशियन एथलीट की ये ब्रांड एम्बेसडर भी है, सलीमा टेटे जो है एशियन एथलीट की ब्रांड एम्बेसडर भी है, सवाल यहाँ से भी बनेंगे। ब्यूटी डुंगडुंग ये भी जो है हॉकी खिलाड़ी है। अब देखिए कुछ अन्य खिलाड़ी जो हॉकी खेलते हैं उनका नाम याद रख लीजिएगा, सुनील कुजूर, मोहन टोपने, ठीक है, क्रांति बाबा, दयामणि सोहन, हेलेन सोई, उसके बाद सावित्री पुत्री। देखिए ये जो है मैंने नाम आपको जो है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में भी बताया था, सुमेराय टेटे, इसके बाद विल्सन डुंगडुंग, इसके बारे में भी आपको मैंने पढ़ाया था, गोपाल भेंगरा, विमल लकड़ा, पुष्पा प्रधान, ये भी नाम ऑप्शन में आपने देखा होगा। आगे देखिए झारखंड के फुटबॉल खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों के नाम, नीतू लकड़ा फुटबॉल खेलती है ये, याद रखिएगा इनको। आगे देखिए अनिता कुमारी, अनिता कुमारी को प्रसिद्ध, देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हॉकी, ये तो फुटबॉल खेलती है, साथ में मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में इनको शामिल किया गया, ये बहुत बड़ी बात है, ये जो है बहुत बड़ी बात है, इसे याद रख लेना है आपको, किसी भी हाल में ये भूलना मत। अष्टम उराव, इनके बारे में जानिए, ये आप तो देख ही चुके हो, ये फुटबॉल खेल रही है और अंडर 17 की जो टीम थी उसमें जो है ये कैप्टन रह चुकी है, अंडर 17 टीम की ये कैप्टन रह चुकी है, तो ये बहुत बड़ी बात है, एग्जाम में इनसे अष्टम उराव से भी सवाल पूछा जा सकता है। आगे देखिए दीपिका कुमारी, पूरा वर्ल्ड इनके बारे में जानता है, ये जो है दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेलिए खेलती है पहली बात, दूसरी बात पीजीटी 2023 में इनसे सवाल भी आ चुका है और रैंक वन इनका पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी रह चुका है, तो दीपिका कुमारी बहुत ही पॉपुलर नाम है। कोमोलिका बारी, ये भी जो है झारखंड से आती है और ये जो है तीरंदाजी से संबंधित है। अब एक नाम है जयंत तालुकदार, एक्चुअली जयंत तालुकदार जो है ये आसाम से हैं, ये जो है आसाम से आते हैं, बट आसाम या फिर असम बोलो, इंग्लिश में आसाम बोलते हैं, हिंदी में असम बोलते हैं, ठीक है, तो ये असम से आते हैं लेकिन ये झारखंड में ही जो है अपना प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, इसलिए ये पॉपुलर है। कुछ अन्य खिलाड़ियों के नाम बताऊं तो रीता सवैया, पवन खोलके, रीना कुमारी, आशा रानी हेरो, झानू हाजदा, राहुल बनर्जी, यहाँ पे नाम थोड़ा गड़बड़ है, लक्ष्मीबाई रानी मांझी, अंकिता भगत, इसके अलावा अनिल लोहरा, वर्षा खोलके, समीर बोरा, मोहित कुमार, सुनील कुमकार, आंशिका कुमारी और मृणाल चौहान, ये नाम है कुछ याद रख लीजिएगा। झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट बात को अगर मैं बताऊं बास्केटबॉल से तो राजन कुमार सिंह, सारिका कच्छप, वसीम अहमद खां, इसके अलावा कृष्ण कुमार शाह, ये बास्केटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल की बात करो तो अचल तिर्की, रजनी कुमारी, तरुण मुखर्जी, सुब्रतो सेन, प्रयाग दत्त और करुणाकृति कुजूर, ये एक ही नाम है। आगे देखिए पावर लिफ्टिंग की बात करूँ तो मनोज कुमार गुप्ता, जयंत सिंह, अनिता कुमारी जो है पावर लिफ्टिंग में शामिल है। ड्राइविंग की बात करूँ तो हेमलाल मिताई, ये जो है पावर लिफ्टिंग में से संबंधित खिलाड़ी हैं। अब देखिए टकवांडो की बात करूँ तो चानू हिजाम, सोनम राजपूत, सुरेंद्र भंडारी, मोनिका देवी, प्रीति कुमारी। देखिए नाम याद नहीं रहेगा, आई रिपीट, दो बार तीन बार वीडियो देखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवीजन कीजिए खुद से, तब नाम याद रहने वाला है। जिम्नास्टिक में पार्थो पटेल हैं, कुश्ती में अमित गुप्ता, राजेश अजीत मुंडा और सुशांति कुजूर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अदर खेल के लिए मैंने आपको बातें बता दी। और आप देखो ये पीपीटी बन रहा है, स्लाइड है, यहाँ पे जो है सौरभ पीपीटी बना रहा है, तो सौरभ को बिग थैंक आप लोगों को बोलना है, उसके वजह से, सौरभ की वजह से जो है ये वीडियोज फटाफट आपके लिए आ रही है क्योंकि वो पीपीटी बनाया जा रहा है। देखो ये लाइव चल रहा है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, वो पीपीटी पे भी काम कर रहा है, ये पीपीटी उसने अभी तुरंत तैयार किया है, तो थैंक यू सौरभ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे क्योंकि सौरभ ने बहुत मेहनत करी है और बहुत सारी जो पीपीटी है वो तैयार कर रहा है और आपके लिए वो तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए कुछ और अन्य खेलों को देख लेते हैं। तो तैराकी इसमें आएगा जिसमें नाम है राणा प्रताप, तो तैराकी को तो आप आराम से याद रख पाओगे, महाराणा प्रताप से को रिलेट कर देना कि वो तैराकी किया करते थे, तो यहाँ से आप इसको याद रख पाओगे। मुक्केबाजी की बात करें तो अमीषा करकेटा, लक्ष्मी पड़िया, सुनीता एक्का, सुषमा कुमारी, अरुणा मिश्रा, दिवाकर प्रसाद, अंतरेश ललित लकड़ा, मिशेल बेंजामिन लकड़ा, प्रवीण कुमार, अमित करकेटा। शतरंज की बात करें तो नीरज कुमार मिश्रा और दीप सेन गुप्ता, ये VBI है, ये और ये बहुत बहुत VBI है, इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा दोनों को। आगे देखिए अगर मैं अन्य खेलों की बात करूं तो एथलेटिक्स में आशा किरण बारला, प्रीति लकड़ा, रंजीत मुंडा, बिरसा भगत, गुरमीत सिंह, हरिवंश, हरिशंकर राय,
पुष्पा एक्का, सरोज लकड़ा, तेजल गुप्ता, इसके अलावा सरोजनी लकड़ा और सुजाना लकड़ा, किसके लिए? एथलेटिक्स के लिए। विश्व की बात करूँ तो आस्था उराव, मनीषा कुमारी, पूजा कुमारी, पूर्णिमा लिंडा। पर्वतारोही की बात करूँ तो समित अस्मिता दोरजी, प्रेमलता अग्रवाल, सुसैन महतो, राजेंद्र सिंह, इसके अलावा पंकज कुमार और टियाना बुधिया है। साइकिलिंग की बात करूँ तो इंदु प्रकाश और सरिता कुमारी है। देखिए ये नाम आपको याद नहीं रहेगा, देखिए इसकी पीपीटी मैं आप लोगों को दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद करंट अफेयर्स के जो पुराने 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं वो देख लीजिए, 7 महीने के, एक्चुअली 7 महीने की मैंने वीडियोस लगा दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और इससे पहले मैंने झारखंड जीके का भी एक वीडियो बनाया था तो उसको भी आप जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो यहां तक देख लिया तो इस वीडियो को आप कहां से वॉच कर रहे हो, मैं देवघर से आपके लिए ये वीडियो बना रहा था। नीचे कमेंट करके अपने इस जहां भी जिस जिले से आप देख रहे थे वो नीचे कमेंट करके आप बताओगे। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें ताकि और लोग भी जो है चैनल के साथ जुड़ पाए। नए हो तो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।